बहुत सारिया औरतां ते खास कर कुड़ियां अजिहियां ने जिन्हां नूं मेकअप करना बेहद पसंद हुंदा है। इसका कारण ए है कि उन्हां नूं पता हुंदा है कि मेकअप करन नाल चेहरे दी सुंदरता वध जांदी है अते चेहरा चमकण लग जांदा है। पर ज्यादा मेकअप करन नाल चेहरे दी चमड़ी नुकसान दी हुंदा है जिस नाल चमड़ी खुश्क हो जांदी है। इसलिए सानू सारिया नूं मेकअप करन तों पहलां कुछ खास गल्लां दा ध्यान रखना चाहीदा है। मेकअप करन तों पहलां तुहानूं जिन्हां खास गल्लां दा ध्यान रखना चाहीदा है ओह इह ने। मुंह नूं चंगी तरह साफ करना। मेकअप करने लई सब तो पहला अपने चेहरे नूं तैयार करना बहुत जरूरी है। तुसीं सब तो पहला चेहरे नूं पानी नाल साफ करो। इस नाल चेहरे दी गंदगी अते तेल बाहर निकल जांदा है अते तुहाडी चमड़ी कुदरती तौर ते चमकण लग पैंदी है। अजिहे विच तुहाडी द्वारा कीता होया मेकअप भी चमक उठेगा। जे तुसीं खुश्क चमड़ी ते मेकअप करोगे तां तुहाडा चेहरा खराब अते धुंधला नजर आवेगा। बर्फ दा इस्तेमाल। जे तुसी मेकअप तो पहला किसे रुमाल जा पतले कपड़े विच बर्फ लपेट के उस नूं अपनी चमड़ी ते कसाओगे ता इस नाल तुहानू कई फायदे हुंदे ने। सब तो पहला ता इस नाल चमड़ी दा खून दा दबा बेहतर हुंदा है ते तुहाडे चेहरे ते गजब दी चमक आउंदी है। इन्ना ही नहीं एह तुहाडियां थकियां होईयां अखां नूं आरामदायक एहसास दिंदा है। इस दे अलावा बर्फ दे इस्तेमाल नाल तुसी अपने मेकअप नूं लंबे समें लई रहण योग भी बना सकते हो। हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर। मुंह साफ करने तो बाद तुहाडे चेहरे तो तेल निकल जांदा है। इसलिए चेहरे नूं हाइड्रेट करना बेहद जरूरी है। नहीं तां इस नाल तुहाडा मेकअप भी उखड़िया उपड़िया नजर आवेगा। खास तौर ते जेकर तुहाडा चेहरा खुश्क है तां तुहानूं हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर दा इस्तेमाल जरूर करना चाहिदा है। मूलां दा रखो खास ख्याल। मेकअप लई चेहरे नूं तैयार करन लई तुहाडी अपने बुल्लां नूं नहीं भुलना चाहीदा। जे बुल रुखे ने तां तुहानूं लिपस्टिक तों पहलां अपने बुल्लां नूं तैयार करना होवेगा। इस लई पहलां तुसीं ओलिव ऑयल ते खंड दी मदद नाल स्क्रब बना के अपने बुल्लां नूं एक्सफोलिएट करो तां कि तुहाडे बुल्लां तों खुश्क वाधू चमड़ी लथ जावे अते ओह कोमल हो जाण। इस तों बाद तुसीं बुल्लां नूं हाइड्रेट करन लई लिप बाम नूं बुल्लां ते लगाओ अते 5 तों 10 मिनट दे लई इंज ही रहण दिओ। सब्सक्राइब करो चढ़दी कला टाइम टीवी नू ते लेटेस्ट अपडेट पाउन लई प्रेस करो बेल आइकन।